आरिफ मदनी जिला प्रवक्ता भाजपा के साथ आईटी प्रभारी बांदीपोरा श्री नसीर अहमद लोन, जिला सचिव शहजाद अहमद डार और अन्य नेताओं ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाग लिया। सेवा सुशासन गरीब कल्याण पर मदनी प्रकाश, पीएम 8 साल की उपलब्धि पर मदनी ने विकास परियोजनाओं, विभिन्न योजनाओं, महिला सशक्तिकरण के उत्थान पर भी प्रकाश डाला। मदनी ने भी अपने संदेश में कहा कि एसटी समुदाय को उनकी अपेक्षा से अधिक लाभ हुआ। मदनी ने पंचायत हल्का बो निगम से भी शुरू किया ताकि 75 घंटे लंबे जनता के बारे में घर घर बातचीत शुरू हो सके। मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र और गरीब कल्याण के तहत आउटचित कार्यक्रम रखा गया। पहले मैं आप शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और जहाँ तक रही बात है, क्योंकि 8 साल हमारे नरेंद्र भाई मोदी को कंप्लीट उन्होंने हुकूमत किया है पूरे हिंदुस्तान में, और उन्होंने बहुत सारे स्कीमें निकाले, एटलीस्ट 165 स्कीम उन्होंने निकाले हैं। और सुशासन गरीब कल्याण योजना के तहत हमें पार्टी की तरफ से बहुत सारे आदेश आए हैं। हमें जाना है, घर घर जाना है, गरीबों के पास जाना है, आम व्यक्ति के पास जाना है, कि उनको पूछना है क्या आप लोगों को इस गही जो स्कीम है, चाहे इसमें ई श्रम कार्ड की हम बात करेंगे, आधार कार्ड की बात करेंगे, गोल्डन कार्ड की बात करेंगे, PMAY की बात करेंगे, तो उनके पास जाना है, उनको बताना है कि आप लोगों ने इन स्कीमों का लाभ उठाया या नहीं उठाया। इस को जो सुशासन गरीब कल्याण का जो मुद्दा और मकसद यही है, ताकि लोगों को अवेयर करना है, उनको बताना है, चलो जिसके पास नहीं है उनको बताना है आपको किस डिपार्टमेंट के पास जाना है, और वहाँ से जाके इस स्कीम का आप फायदा उठा सकते। हमने आज हमारा दूसरा दिन रहा, कल हमने जो दिन गुजारे, हम गए बहुत सारे हलकों के पास, पंचायत सेक्टर के जो पंचायत हलके होते उनके पास हम गए, हमने पूछा, एटलीस्ट 80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन स्कीमों का लाभ उठाया है, और बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जिनको मिला है PMAY के तहत पैसे, उन्होंने अपना ढांचा आसार नव तामीर किया है, और आने वाले समय में इंशाल्लाह इससे भी अच्छा होने का मुतवक्का है। देखिए, अगर जहाँ पे हम जाते हैं हमारे पीछे जोगदर जोग लोग आते हैं, इसीलिए ये लोग आते दिल चाहते बीजेपी को चाहते, क्योंकि बीजेपी ने हमेशा गरीबों की बात की, गरीबों की खिदमत की। अगर हम देखें, इससे पहले अगर कोई बीमार होता था उसको इलाज मुआवजे के लिए बहुत सारे पैसे लगते थे, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसी स्कीम निकाली गोल्डन कार्ड का, उसको 5 लाख का मदद मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो नहीं, ये सीधी सी बात है, यहाँ पे हर कोई इसके बारे में अवेयर है कि नहीं, मोदी जी ने ये सबसे बड़ा सराहना काम किया है, और इसी की वजह से आम लोग, गरीब लोग इस मामले में बहुत ज्यादा खुश फायदा उठाए, और जिन्होंने मतलब गोल्डन कार्ड नहीं बनाया, ई श्रम कार्ड नहीं बनाया, बाकी स्कीम के तहत उनको उन्होंने अप्लाई नहीं किया, वो आए इनको अप्लाई करें, और ये जो कार्ड वगैरह बनाए, और ज्यादा से ज्यादा इन चीजों का फायदा।